मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा जोर दिया था कि देखिए हैदराबाद की विकेट पे विकेट बहुत बढ़िया है, ज्यादा गेंदबाजों को लेने का कोई मतलब नहीं होगा, स्पिनर्स को लेने का कोई मतलब नहीं होगा, स्पिनर्स ने तो हालांकि विकेट ही नहीं निकाला था, लेकिन पेसर्स को भी कुछ खास विकेट मिले नहीं, बैटिंग वाइज बढ़िया विकेट था हैदराबाद का। अब देखिए आज जो ये मैच है ना, ये है पंजाब और बैंगलोर के बीच। देखो भाई ये जो दोनों टीमें है ना, इन्होंने इस साल कसम खाई है कि हम बहुतों को खराब करने वाले हैं। ये हार ही नहीं रही अभी, ये पहले जीत नहीं रही थी, अभी ये हार नहीं रही। आज ये ऊपर नीचे रहती है हमेशा, इनका थोड़ा सा ये रहता ही है कि या तो बेंगलोर एक कदम आगे रहेगा या फिर पंजाब ऊपर रहेगा, बेंगलोर नीचे रहेगा, रहते आसपास ही है। इन्होंने 7 नंबर से नीचे अपना स्लॉट है वो बुक ही करवा लिया है पूरी तरीके से। आज एक एक चीज की तो खुशी है कि दोनों में से एक तो जीतेगी, मतलब जितनी खुशी होगी उतना दुख भी होगा अगर बैंगलोर जीते पंजाब जीते, बट दोनों में से एक तो जीतेगी। अब इस मैच के लिए जहां पे धर्मशाला में ये मैच खेला जाएगा, इस मैच के लिए आपकी फैंटेसी की टीम क्या होनी चाहिए, कौन से प्लेयर्स आपकी फैंटेसी की टीम में होने चाहिए, कौन से प्लेयर्स ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं, डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बन सकता है, इन सभी चीजों पे आगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बस अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को कर दो लाइक, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो अभी से, और पूरा वीडियो देखना क्योंकि आपके लिए एक ऑफर भी लेके आया हूं जहां पे आपके गारंटेड 250 रुपए बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले वीडियोस हैं जो कि आप सबसे पहले देख पाए। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रीति जिंटा और फाफ डु प्लेसी, आज क्या होने वाला है मैच में, मैच नंबर 58। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल दिख रहा है आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सारी अपडेट्स देते हैं, टॉस के बाद प्लेइंग 11 को लेके, पिच रिपोर्ट को लेके, वीडियो में मैं जो आपको टीम देता हूँ उस टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, समझ रहे, उस टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे फिर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी टीम मिल जाती है, और मैं आपको ग्रैंड लीग टीम भी कल से देने लग गया हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करो, जाओ और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जल्दी से जाओ यार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेडियम धर्मशाला में ये मैच खेला जाएगा। धर्मशाला के पिच को आप समझोगे ना, तो धर्मशाला के पिच में एक चीज है कि स्टार्टिंग है ना, वो पेसर्स को मूवमेंट है जो कि हैदराबाद में भी दिखा, लेकिन जो हैदराबाद की टीम है उसको बेनिफिट मिला, मिला नहीं बेनिफिट दिया, हैदराबाद की टीम ने बेनिफिट नहीं दिया। तो स्टार्टिंग में मूवमेंट है, उसके बाद बैटिंग करना इजी है, स्पिनर्स के लिए उतनी बढ़िया विकेट रहती नहीं है हैदराबाद की। कल भी यार मैंने बोला था कि स्पिनर्स के लिए उतनी बढ़िया विकेट नहीं है, गेंदबाजों के लिए नहीं है, वो कमेंटेटर मतलब वो जो वो खराब खेल रहा था केएल राहुल, जो लखनऊ की टीम बकवास खेल रही थी एकदम स्लो रेट में, नमी है पिच में, पिच थोड़ा सा ड्राई भी दिख रहा है, अबे कहां गई थी वो ड्राइनेस जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खेलने आई थी, अपने दादाजी के साथ भी गई थी, तो भाई खेलना पड़ेगा, अगर गेंदबाजों को आप ऑप्शन दे रहे हो तो वो फिर तो गेंदबाज ही पेलेगा ना आपको, वो मतलब उनका काम ही यही रह गया है कि हमको ऐसे करना है फिर गैप निकालना है। तो मुझे क्विंटन डिकॉक आउट होते ही पता चल गया था कि ये उनका कुछ नहीं होने वाला, ये अभी खेलेंगे 5-6 की स्ट्राइक रेट से। तो पिच बढ़िया है, बैटिंग वाइज बढ़िया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूवमेंट है जहां पे आप कहीं ना कहीं वो चीजें कर सकते हो कि स्टार्टिंग में जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है एंड जो डेप्थ में गेंदबाजी कर रहा है वो थोड़ा सा आप फाइंड आउट करोगे तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इस विकेट पे रन बने अराउंड 180 के, समझ रहे हो। बाकी यहां पे आप देखोगे टोटल 12 मैच खेले जा चुके हैं ऑलरेडी,
फर्स्ट बैटिंग 7, चेजिंग ने 5, स्कोरिंग पैटर्न देखोगे मैक्सिमम स्कोरिंग है आप देखोगे 9 टाइम्स हुई है 170 से ऊपर की और 3 बार 170 से नीचे बना है। बैलेंस्ड पिच है, 174 का एवरेज स्कोर रहता है। आप मैदान देखिए यहां पे कितना आपको ब्यूटीफुल नजारे देखने को मिलेंगे इस हिमाचल प्रदेश में। तो वो जो जिस तरीके का एनवायरमेंट रहता है उसके वजह से है वो स्टार्टिंग में मूवमेंट इस विकेट पे रहती है, समझ गए। बाकी आप रिसेंट के मैचेस देखोगे, लास्ट मैच में सीएसके 167 पे 9, पंजाब 139 पे 9, एक टाइम पे लगा था 200 प्लस जाएगा, मतलब जहां पे रन बनने नहीं चाहिए थे वहां पे चेन्नई ने रन बनाए, जहां पे बनाने चाहिए थे वहां पे बिखर गई। यहां पे टोटल 18 विकेट गई पेसर्स को, 11 स्पिनर्स को यहां पे 7 विकेट मिली थी, ये मैच अनएक्सपेक्टेड हुआ था। यहां आप देखोगे पंजाब 187 पे 5, आरआर चेस कर गया पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 2, टोटल 11 विकेट्स गई। यहां डीसी ने 213 किया 2 विकेट पे, पंजाब नहीं चेस कर पाया पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 1, टोटल 10 विकेट गई। तो इस मैच को निकाल दो तो आप देखोगे 10-11 विकेट देखने को मिली है इस विकेट पे, 10-11 विकेट है जो कि देखने को मिली है। बाकी आप देखोगे पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाली है, स्पिनर्स को उतनी मदद मिली नहीं है इस मैच में। ऑफकोर्स ये अनएक्सपेक्टेड था, यहां पे विकेट है जो कि स्पिनर्स के हाथ लगी। टोटल 27 विकेट पेसर्स ने ली, फर्स्ट में 12, सेकंड में 15, स्पिनर्स ने 10 विकेट ली, फर्स्ट में 4, सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट निकाले। 6 ओवर का पावर प्ले क्या कहता है, दोनों इनिंग्स में विकेट है फर्स्ट और सेकंड में, दोनों में विकेट है फर्स्ट और सेकंड में, यहां पे एक में है एक में नहीं है, समझ गए, यहां पे दोनों में है, यहां पे एक में नहीं है एक में है, यहां पे 20 पे 4, 44 पे 0, 1, 2, 3 इनिंग्स में विकेट नहीं है, समझ रहे हो, 3 इनिंग्स में पावर प्ले में विकेट नहीं है, बाकी सब में है, लेकिन 1, 2 और 3 तीन इनिंग्स ऐसी आई है जहां पे 3 और 3 से ज्यादा विकेट गई है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए जब आप ग्रैंडली के कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना तो आपको पूरी स्टडी करके बनाने पड़ते हैं, तभी तो 10-15-20 कॉम्बिनेशन तक लोग बनाते हैं। तो जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में लेके चलनी पड़ती है कि यार फर्स्ट इनिंग्स में ये हो सकता है, कौन सी टीम ज्यादा वीक नजर आ रही है, किसके 3-4 विकेट गिर सकते हैं इन पावर प्ले, समझ रहे हो ना उस चीज को। तो उस तरीके से आप देखोगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होगी पूरी ग्रैंड लीग की टीम के लिए। और अगर आप सपोर्ट दिखाओगे ना, सपोर्ट किसको बोलते हैं कि आप वीडियो को देखोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कोई कमेंट करोगे, अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे लोग देखोगे ना, तो मैं आपको 1 से 6 नहीं, 1 से 10, 10 से 15, 15 से 20 सभी के यहां पे आपको स्टैट्स दिखाऊंगा कि पावर प्ले में आखिर होता क्या है, 6 से 10 ओवर में क्या होता है, 10 से 15 ओवर में कितनी विकेट जाती है, 15 से 20 ओवर में कितनी विकेट जाती है, फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक करो जितने भी लोग देख रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 32 मैच खेले गए, 17 पंजाब ने, 15 आरसीबी ने। अरे भाई पंजाब आरसीबी से ऊपर है, मुझे तो यार लगा ही नहीं था। अब जो मैं आपको बात कर रहा था एक ऑफर की, आप कैसे 250 रुपए तक कमा सकते हो फ्री में, आपका लगेगा एक भी नहीं, दोस्तों ये माई 11 सर्कल है। माई 11 सर्कल ये एक ऐसा ऐप है ना जो आपको हर लीग में इतने बेहतरीन बेहतरीन ऑफर देता है। जैसे कि आज का ऑफर देख लो, आज आपको 1 रुपए में 5 ग्रैंड लीग की टीमें मिल रही है, यानी कि 49 रुपीज की एक टीम होती है, आपको 1 रुपए में 5 मिल रही है, यानी कि आप देखोगे ना तो 245 के करीब के 5 टीमें लगती है, 245 की आपको 1 रुपए में मिल रही है, आपके 244 रुपए सीधे बच रहे हैं और 5 टीमें आप बना पा रहे हो, आपके कॉम्बिनेशंस भी बहुत हो गए, आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बहुत हो गए, क्योंकि ग्रैंड लीग के आप देखो ना प्राइजेस देखो, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ से तो शुरुआत है, यानी कि इतने बड़े प्राइज मिल रहे हैं और 1 रुपए में 1 रुपया आपका है वो टीम का लग रहा है, तो आपके लिए कितने फायदे की चीज है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना तो मेरे भाई मेरे कहने से इसको वर्ल्ड कप तक अपने ऐप अपने मोबाइल के में रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस एप्लीकेशन का, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड करो और डिपॉजिट करो जाके, क्यों, क्योंकि आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि आप 10,000 रुपए भी डिपॉजिट करोगे 12,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, और डाउनलोड करते ही 1500 रुपए का आपको कैश बोनस मिल जाएगा। आप जब इस ऐप को डाउनलोड करोगे आपके कुछ किए बगैर ही पैसा हो जाएगा,
तो आपके लिए फायदे की चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड करो माई इलेवन सर्कल को। बाकी लास्ट के दो हेड टू हेड में देखिए, ये तो इसी सीजन का है, एट बेंगलुरु में खेला गया था, यहाँ पे आरसीबी मैच जीता था, ये पंजाब में खेला गया था, यहाँ पे भी आरसीबी जीता था। कुछ कॉमन प्लेयर्स में आप देखोगे यहाँ पे पूरी की पूरी टीम फ्लोप थी, शशांक सिंह ने 21 नॉट आउट किए और सैम करन 23+1 था, रबाड़ा और हरमनप्रीत बरार को दो दो विकेट मिला। यहाँ पे विराट के रन साइज 77, मैक्सवेल 3+2, दिनेश कार्तिक 28 नॉट आउट, सिराज के 2 विकेट, यस दयाल और अलजारी को एक एक विकेट मिला। यहां देखोगे अगेन विराट के रन, फाफ के रन, समझ लो अगेन विराट और फाफ के रन आए, ग्लेन मैक्सवेल फ्लोप था, दिनेश फ्लोप था, 4 विकेट सिराज के। पर सिमरन सिंह यहाँ 46 था, जितेश शर्मा 41 था, सैम करन 10+0, हरमनप्रीत बरार 2 विकेट, अर्शदीप और नाथन एलिस को एक एक विकेट। तो यहां पर आप देखोगे फाफ विराट सिराज ये 3 कॉमन प्लेयर है जिन्होंने परफॉर्म किया है हेड टू हेड में जब लास्ट के मैच खेले गए, तो इस चीज को ध्यान में रखना। पर्व सिमरन सिंह है जो कि एवरेज रहा है। पंजाब की प्लेइंग 11 में आप देखोगे तो जॉनी बैस्टो और पर्व सिमरन सिंह है जो कि ओपन कर रहे हैं, रायली रूशो आपको एज ए वन डाउन दिखेंगे, 4 नंबर पे सैम करन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, हरमनप्रीत बरार, राहुल चेर, हर्षल पटेल, खगिजो रबाड़ा, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह और रबाड़ा है जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, अर्शदीप सिंह और रबाड़ा पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह है जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, समझ गए, ये इस तरीके से प्लेइंग 11 रहेगी। बाकी यहां पे स्टैट्स की बात कर लेते हैं, क्या स्टैट्स आपके लिए रहने वाले हैं, कौन बढ़िया कर सकता है, कौन खराब कर सकता है, देखिएगा। यहां पे आप देखोगे सबसे पहले पर्व सिमरन सिंह की बात करते हैं, रिसेंट नंबर बढ़िया है, आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप रिसेंट नंबर देख सकते हैं, हेड टू हेड 26 का एवरेज है, वेन्यू पे 18 का, ओवरऑल 21 का, यानी कि वेन्यू पे आप देखोगे ना तो पर्व सिमरन सिंह के कुछ खास स्टैट्स नहीं दिखे हैं, और मुझे लगता है 30-40 से ज्यादा पॉइंट है वो पर्व सिमरन सिंह आपको देगा नहीं, 30-35 पॉइंट से ज्यादा आपको देगा नहीं, मुझे लगता है 25-30 से ऊपर ये रन नहीं करेगा, कौन, पर्व सिमरन सिंह। जॉनी बैस्टो की बात करते हैं, रिसेंट नंबर आप देखोगे तो 2 इनिंग्स बढ़िया आई है, बाकी बकवास चले, हेड टू हेड 52 का, यानी कि बैंगलोर को खेलना पसंद करते हैं, वेन्यू पे 1 मैच में 7 है, ओवरऑल 35 का एवरेज है, तो बैंगलोरू को यहां पे खेलना पसंद करते हैं जॉनी बैस्टो को रख सकते हो। जितेश शर्मा का रिसेंट नंबर आपको इस सीजन कुछ खास दिखेगा नहीं, बहुत बार ज्यादा बैटिंग भी नहीं आई, हेड टू हेड 3 में 25 का एवरेज, वेन्यू पे 3 में 14 का, ओवरऑल 35 में 23 का एवरेज रहता है। अब जितेश शर्मा की बात करते हैं तो जब अगर पंजाब पहले बैटिंग करती है ना, पंजाब के पावर प्ले में जिस तरीके की विकेट रहती है, विकेट जाने के चांसेस रहेंगे, तो वहां पे फिर जितेश शर्मा के हैं वो बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे, प्लस आपको विकेट कीपिंग भी देते हैं, तो यहां से फिर आपको पॉइंट मिल सकते हैं जितेश शर्मा से, तो जितेश शर्मा फर्स्ट बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रायली रूशो की बात करते हैं तो रायली रूशो के रिसेंट नंबर आप देखो 1-43 में, बड़ी इनिंग्स नहीं आई है रायली रूशो से, समझ रहे हो, हेड टू हेड 1 मैच में 35, वेन्यू पे 2 मैच में 82, ओवरऑल 20 का, वेन्यू पे अच्छा खेले हैं लेकिन वो बड़ी इनिंग्स है ना वो रायली रूशो से दिख नहीं रही। उसके अलावा शशांक सिंह की बात करते हैं, ये लगातार बंदा परफॉर्म कर रहा है, हेड टू हेड 3 मैच में 29 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 27 रन है, ओवरऑल 20 में 44 है। मुझे लगता है पर्व सिमरन सिंह और शशांक सिंह दोनों में से एक तो आपके लिए गारंटेड फ्लोप होगा, कहां से पर्व सिमरन सिंह और शशांक सिंह दोनों में से एक गारंटेड फ्लोप होगा, दोनों भी हो सकते हैं, तो वो चीज भी अपने माइंड में रखना आप। उसके अलावा सैम करन आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग है वो दोनों दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, दोनों दे रहे हैं, हर मैच में आपके लिए पॉइंट्स है, हेड टू हेड 6 मैच में 8 का एवरेज, 6 विकेट, वेन्यू 3 में 33 का एवरेज है, 4 विकेट है, ओवरऑल 55 में 24 का एवरेज है, 54 विकेट है, तो आपको बैटिंग प्लस दोनों देते हैं, जा सकते हो। हरमनप्रीत बरार रिसेंट नंबर आप देखोगे तो ज्यादा विकेट नहीं मिला है, टू हेड 8 विकेट है 6 मैच में, वेन्यू 3 में 0 विकेट है, ओवरऑल 37 में 22 विकेट है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं लेकिन विकेट नहीं मिल पा रही। बॉलिंग सेक्शन में अगर हम लोग चले, बॉलिंग सेक्शन में देखना राहुल चेर है, लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आप देखोगे की है राहुल चेर ने, 5 विकेट तो लास्ट के 2 मैच में निकाल चुके हैं, हेड टू हेड 10 में 6 है, वेन्यू पे 3 में 4, ओवरऑल 68 विकेट है। मुझे लग रहा है 1 से ज्यादा विकेट राहुल चेर को नहीं मिलेगा, राहुल चेर फ्लो हो सकता है, 1 से ज्यादा विकेट नहीं मिलेगा। फिर हर्षल पटेल की तरफ आते हैं, रिसेंट नंबर इनके भी ठीक है, हेड टू हेड 4 में 3, वेन्यू पे 1 में 3, ओवरऑल 101 में 25। देखिए मैं
अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करती है तब तो मैं नहीं बोलूंगा इतनी बड़ी चीज, लेकिन अगर पंजाब की टीम पहले बैटिंग करती है तो हर्षल पटेल भी आज इस मैच में फ्लॉप हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा विकेट नहीं मिलेगा। तो यहां पे या तो आपको दोनों फ्लॉप दिखेंगे, बाकी एक तो दिखेगा ही। रबाड़ा का इस सीजन बढ़िया नहीं गया, हेड टू हेड 8 में 18, वेन्यू पे 3 में 2 है, ओवरऑल 78 में 116। रबाड़ा कहीं ना कहीं आपको एक दो विकेट निकाल के दे सकते हैं, रबाड़ा को रख सकते हो। अर्शदीप सिंह ये अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, हेड टू हेड 6 में 4 विकेट है, वेन्यू पे 3 में 3, ओवरऑल 60 में 69, ये डेथ में भी आता है। तो एक चीज कर सकते हो, या तो इन चारों में से आप ओनली अर्शदीप सिंह के साथ जा सकते हो या फिर आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, रबाड़ा और अर्शदीप सिंह। गेंदबाजी रबाड़ा और अर्शदीप सिंह पूरी डाल रहे हैं, सैम करन पूरी डाल रहा है, उसके अलावा आप देखोगे राहुल चहर पूरी डाल रहा है, हर्षल पटेल के कभी कभी ओवर्स कटते हैं। सैम करन, अर्शदीप सिंह, खगिजो रबाड़ा इन फोर प्ले, डेथ में हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और रबाड़ा, सैम करन, ये आते हैं मेनली। आप बोल सकते हो हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह डेथ में आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इंपैक्ट में देखिए बहुत सारे ऑप्शन इनके पास है, लेकिन आशुतोष शर्मा है जो कि आपको एज ए इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल सकता है। अगर आशुतोष शर्मा प्लेइंग 11 में रहता है तो फिर परमसिमरन सिंह है जो कि इंपैक्ट में आते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 देखना, फाफ डुप्लेसी है, विराट कोहली, विल जैक्स, रजत पटीदार, ग्लैन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, विजय करवशक, मोहम्मद सिराज, ये 11 प्लेयर है जहां पे मोहम्मद सिराज डेथ में गेंदबाजी करते हैं और यहां पे कैमरॉन ग्रीन से भी डेथ में गेंदबाजी करवाई जाती है, समझ रहे हो ना, कैमरॉन ग्रीन से भी करवाई जाती है या फिर यश दयाल आते हैं एज ए इंपैक्ट प्लेयर, समझ गए। ये 11 प्लेयर आपको बैंगलोर के दिखेंगे। यहां पे देखना दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, बहुत नीचे आते हैं तो मैं ज्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, नंबर्स बढ़िया है, हेड टू हेड भी 32 का है, वेन्यू पे 12 है, ओवरऑल 26 है, तो मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा आपको दिनेश कार्तिक। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, फाफ डुप्लेसी ये 64 यानी कि फॉर्म में थोड़ा आए हैं, लास्ट मैच बढ़िया रहा था इनका, यहाँ पे नंबर्स एवरेज है, हेड टू हेड 57 का, यानी कि पीबीकेएस को खेलना पसंद करते हैं, वेन्यू पे नहीं खेले, ओवरऑल 140 में 36 का एवरेज है, तो यार पंजाब को खेलना पसंद करता है ये। विराट कोहली रिसेंट नंबर इनके भी बढ़िया, हेड टू हेड 31 में 33 का, वेन्यू पे 1 में 11 है, ओवरऑल 247 में 38। आप कैप्टनसी से ड्रॉप कर सकते हो विराट कोहली को, आप कैप्टनसी से ड्रॉप कर सकते हो, लगातार अच्छी इनिंग्स आई है विराट कोहली से, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्विंग वहां पे हुआ तो अर्शदीप सिंह है वो प्रॉब्लम कर सकता है, रबाड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो आप टीम में रखना चाहो रख सकते हो, सीबीसी से ड्रॉप कर सकते हो स्पेशली फर्स्ट बैटिंग में। रजत पाटीदार रिसेंट नंबर आप देखना, इनका भी ठीक है, हेड टू हेड 3 में 25 का, वेन्यू पे खेला नहीं, ओवरऑल 22 में 34 का, ये वन डाउन नहीं आ रहा अभी लास्ट के कुछ मैचेस से, तो अगर वन डाउन नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है फिर आप नहीं ले सकते हो नीचे बैटिंग के लिए, समझ रहे हो। विल जैक्स का आप देखोगे लास्ट मैच बढ़िया नहीं गया, बाकी परफॉर्म किया है, हेड टू हेड खेला नहीं, वेन्यू खेला नहीं, ओवरऑल 6 में 35 का एवरेज, 2 विकेट है, इस विकेट पे अगर 4 से 5 ओवर अगर पंजाब का विकेट नहीं गया तो विल जैक्स फिर फाड़ सकता है, ध्यान में रखना। ग्लैन मैक्सवेल रिसेंट नंबर एकदम बकवास, हेड टू हेड 7 में 15 का एवरेज, 3 विकेट, वेन्यू पे 1 में 0 विकेट, ओवरऑल 131 में 25 का एवरेज, 36 विकेट। देखिए अगर बैंगलोर की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इन दोनों को है जो कि सीवीसी कर सकते हैं, इन दोनों को आप लोग है वो सीबीसी कर सकते हैं अगर बैंगलोर की टीम पहले बैटिंग करती है। कैमरॉन ग्रीन की आप बात करते हैं तो कैमरॉन ग्रीन के भी गेंदबाजी से ठीक आए हैं, हेड टू हेड 3 में 31 का एवरेज, 2 विकेट, वेन्यू पे खेला नहीं, ओवरऑल 24 में 40 का एवरेज, 12 विकेट है। अगर पहले बॉलिंग करती है बैंगलोर की टीम तो आप चांस ले सकते हो छोड़ने का। स्वप्निल सिंह का देखो वो तो ये नंबर है, हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, ओवरऑल 9 में 4 विकेट है, मैं ज्यादा सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। अब बाकी करण शर्मा है, लास्ट मैच में करण शर्मा को 1 विकेट मिला, यहां 2 है, बाकी कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड 8 में 5, वेन्यू पे नहीं खेला, ओवरऑल 79 में 72, ये भी कुछ खास नहीं कर रहे। विजय कर व्यासक लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले, यहाँ पे नंबर्स ठीक है, 4 विकेट यहाँ है, हेड टू हेड 1 में 0, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 11 में 13 विकेट है, आपको डेथ में भी दे सकते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाजी करते हैं। मोहम्मद सिराज नंबर्स एवरेज है, हेड टू हेड 9 में 10, वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल 88 में 84। सिराज को आप लेके जा सकते हो क्योंकि पंजाब के अगेंस्ट सिराज ने है वो काफी बढ़िया किया है सिराज ने, समझ गए।
बाकी यहाँ पे आप देखोगे मोहम्मद सिराज लगातार ओवर कर रहे हैं, कैमरॉन ग्रीन चार ओवर डाल रहे हैं, यश दयाल खेलते हैं तो चार डालते हैं, व्यासक ने चार डाले, विल जैक्स कभी कभी डालते हैं, तो कैमरॉन ग्रीन यार चार ओवर डाल रहे हैं तो फिर टीम में बनते हैं, ये ध्यान में रखना। सिराज, व्यासक, स्वप्निल सिंह पावर प्ले, डेथ कैमरॉन ग्रीन, मोहम्मद सिराज, विजय व्यासक, ये डेथ में आते हैं। अब आगे इंपैक्ट में यहां पे महिपाल लॉमरोर इनके पास ऑप्शन है इंपैक्ट का, समझ गए। बाकी यहां पे आप देखोगे प्लेयर स्टैट्स में जोनी बैस्टो लोकी ने एक बार सिराज ने कुछ बड़े स्टैट्स नहीं है, सिराज को बढ़िया खेला है। ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार परमसिमरन सिंह को, सैम करन लोकी ने एक बार यश दयाल, जितेश शर्मा एक बार सिराज ने, राइली रोशो अल्जारी ने दो बार, एक बार रिस ने, करण शर्मा ने एक बार, शशांक सिंह का कोई मैचअप नहीं। यहां मिलेंगे आपको मैचअप फाफ डुप्लेसी, सैम करन ने तीन बार आउट किया है तो ध्यान में रखना, स्ट्राइक रेट ठीक है, अर्शदीप सिंह को ठीक खेला एक बार विकेट है, रबाडा के सामने स्ट्रगल है मेरे भाई, फाफ डुप्लेसी ने रबाडा के सामने स्ट्रगल किया है तो ये बैटल ध्यान में रखना। दो बार हर्षल ने, दो बार ऋषि ने, विराट कोहली सैम ने दो बार ठीक खेले, रबाडा ने चार बार, यही दिक्कत जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए कैप्टनसी मत देना। हर्षल ने दो बार, हरमनप्रीत बरार ने दो बार, रजत पटीदार, राहुल ने दो बार, एक बार बरार ने, विल जैक्स को रबाडा ने दो बार, स्ट्राइक रेट ठीक है लेकिन रबाडा ने आउट किया तो रबाडा आज थोड़ा सॉलिड दिख रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन तीन बार, नाथन ने एक बार, रबाडा ने, ग्लेन मैक्सवेल तीन बार, मेनली आप देखोगे रबाडा ने आउट किया तो ये भी यार रबाडा बहुत सॉलिड दिख रहा है। हर्षल ने एक बार, दो बार राहुल चहर ने, चार बार बरार ने, बरार आएंगे फिर गेंदबाजी करने बैट्समैन के, अगर ध्यान में रखना, दो बार वॉक्स ने, एक बार नाथन ने, ये खेल नहीं रहे। दिनेश कार्तिक का देखोगे अर्शदीप सिंह ने तीन बार तो ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे रबाडा ने चार बार ये भी दिनेश कार्तिक के लिए प्रॉब्लम है, राहुल ने दो बार ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो बैंगलोर की टीम रही है उनके लिए जो खगिजो रबाडा है वो प्रॉब्लम दिखे हर बैट्समैन के लिए, ध्यान में रखना इस चीज को, सॉलिड नजर आ रहे हैं। अब टीम की तरफ चलते हैं, मैंने क्या क्या जोनी बैस्टो को, सिमरन सिंह को, सॉरी सिमरन सिंह की जगह आप जितेश शर्मा कर सकते हो, विराट कोहली एज ए कैप्टन, फाफ डुप्लेसी को रखा, सैम करन कैमरॉन ग्रीन है, विल जैक्स है, ग्लेन मैक्सवेल एज ए वाइस कैप्टन, अर्शदीप सिंह, रबाडा और मोहम्मद सिराज, समझ गए। यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, अगर बैंगलोर की टीम पहले बैटिंग करे तो आप ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी कर सकते हो विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल की, या फिर आप ये कर सकते हो विल जैक्स को कैप्टन, कैमरॉन ग्रीन को वाइस कैप्टन, अगर पहले बैटिंग करती है बैंगलोर की टीम, बिकॉज आपको तीन से चार ओवर कौन दे रहा है, कैमरॉन ग्रीन दे रहा है। और अगर माय 11 सर्कल को आपने डाउनलोड नहीं किया है कर लेना, इस टीम में कोई भी चेंजेस होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिए जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए जाके जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।